मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। नई आबकारी नीति के तहत स्कूल, कॉलेजों, हॉस्टल या धर्म स्थलों के पास शराब बिकना बंद होगी। साथ ही लाइसेंस शुल्क भी 10% बढ़ाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में शराबबंदी का मुद्दा गरमाया हुआ है। शराबबंदी को लेकर शिवराज को उन्हीं की पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती घेर रही है। उन्होंने शिवराज से मुलाकात भी की थी, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई। अब मध्य प्रदेश सरकार 1 अप्रैल 2023 से नई आबकारी नीति लागू कर रही है, जिसके तहत 108 ऐसी दुकानों को बंद किया जा सकता है जो स्कूल, कॉलेजों, हॉस्टल या धर्म स्थलों के पास है। आपको बता दें, इन 108 दुकानों के बंद होने से सरकार को 330 करोड़ का नुकसान होगा। इसके साथ ही नई आबकारी नीति में लाइसेंस शुल्क भी 10% बढ़ाया जा सकता है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़, आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।